हमारा स्टेडियम और बाकी दुनिया के स्टेडियम में जमीन आसमान का फर्क था। किसी भी लिहाज से वो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं था। माजरत के साथ, आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। ना सीटें थी, ना बाथरूम थे, और व्यू ऐसा था कि आप 500 मीटर दूर से देख रहे हैं। ये पीटर, अरे चूना लगा दिया, अरे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बोल के छोटा सा ढाबा बना दिया। अबे इतना छोटा स्टेडियम बनाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट छीन इसके हाथ से। अच्छा, ये जो पूरी बात है ना कि बाथरूम नहीं है वहां पे, अब देखो आप सोचो, माना कि इंडियन टीम चली गई, मैं कह रहा हूँ लाहौर चली गई, ये गद्दाफी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, लाहौर की बात कर रहा हूँ। इंडियन टीम पहुंच जाती लाहौर, और लाहौर पहुंचने के बाद वहां पे रोहित शर्मा है, बुमराह है, कोहली है, अर्शदीप है, अपनी पूरी लाइनअप है और मैच चल रहा है। बीच में कोहली कहता है कि मुझे बाथरूम जाना, या रोहित शर्मा कहता है जी मुझे बाथरूम जाना, जाहिर सी बात है यार, इट्स अ नेचुरल कॉल, इट्स अ कॉल ऑफ नेचर, तो बोला बाथरूम जाना। कह रहा वो देख रहे हो पान की दुकान से लेफ्ट जाके पेड़ है। मगर आप अगर जब मिलना ही नहीं चाहते तो हमें तो कभी जरूरत रखनी नहीं चाहिए, हम इनको माइनस करके चले, ठीक है, ताकि हमें फंस के नहीं पाए, बाढ़ में जाए, मरे जिए जो भी करे, राइट, क्रिकेट है, खेल है, खेलना खेलो, नहीं खेलना मैं तो नहीं, अगर खेलना खेल नहीं खेलना जा, चाहे मोदी हो या कोई हो। तो आप सिटिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, बट आई वॉन्ट के पाकिस्तान में भी स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम होने चाहिए। ऐसे ही यार अभी यार इंग्लैंड में देखें, इवन के वो बारबाडोस का स्टेडियम भी बड़ा खूबसूरत था, छोटा था, लेकिन फिर भी वो भी जो हमारे पिंडी छिंडी वाले हैं इनसे तो बहुत ही अच्छा था। How's it possible, यार? आप इंटरनेशनल मैचेस, दो बंदे बैठे मैच देख रहे हैं भाई, डिफिकल्ट एंगल से देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ जिसने बोला ना एंगल खराब, दो बंदे मैच देख रहे हैं। अब सोचो दो बंदे मैच, एक कोई बात हो स्पेक्टेटर है, मैं प्लेयर की बात ही नहीं कर रहा, वो कोहली बुमराह उनको छोड़ो, दो बंदे हैं, दो पाकिस्तानी हैं मैच देख रहे हैं, वो कह रहा भाई मुझे बाथरूम बाकी कर रहे हैं, बाथरूम नहीं, रुक जा अभी चार ओवर बाकी हैं, कह रहा भाई मुझे बाथरूम जाना है। पाकिस्तानी ग्राउंड्स में बाथरूम नहीं, लोग बहुत दूर बैठकर मैच देखते हैं, मैच देखने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं। हमारे स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेटस, आवर इंटरनेशनल ग्राउंड्स, आवर इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करने के मुनासिब नहीं और उसके लिए तैयार नहीं, ये कहना है किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मिस्टर मोहसिन नकवी का, जो पाकिस्तानी स्टेडियम्स के हालत बयान करते हुए अगर कहा जाए कि आप दीदा हो गई तो गलत नहीं होगा कि बाथरूम्स नहीं है, मगर हमने होस्ट करना है विराट कोहली जैसे ग्रेट को, लोगों को मैच देखने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं, मगर हमने होस्ट करना है मिचेल स्टार्क को, पाकिस्तान के ग्राउंड्स इंटरनेशनल स्टेटस के नहीं, मगर हमने होस्ट करना है और देखना है जोस बटलर को लाहौर में। तो ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का कि हमारे ग्राउंड्स की जो हालत है इस पर मोहसिन नकवी क्या कहते हैं और भारत की तरफ से इस सब पर क्या रिएक्शन आया है। तो चलिए पहले आपको ये कंप्लीट वीडियो दिखाते हैं कि क्या कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी ग्राउंड्स और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, फिर एंड में जाकर बात करते हैं। जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर वो आकर कहते हैं कि भाई लाहौर का स्टेडियम जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। तो जब उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा, भाई साहब ने पूछा कि भाई जी कितना कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, कहता नहीं कितना जरा बंदे को लेकर आओगे स्टेडियम के अंदर, हमको बताई दो कितना, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, कितना है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, पहले इस स्टेडियम की कैपेसिटी थी 27,000, कितना 27,000, और अब इस स्टेडियम की नई कैपेसिटी निकल के आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 29,000 लोग बैठकर मैच देख सकेंगे। कुड यू बिलीव इट, 2,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है स्टेडियम की, 2,000 लोग ज्यादा बैठ सकते हैं। यार क्या मैं बोलूंगा, इससे बड़ा दुनिया का कोई प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता है। 2,000 लोग कैसे फिट करोगे यार एक स्टेडियम के अंदर, इतने सारे लोग। अबे सालो तुम लोग को कितनी बार बोलूं, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, जब मैच हो रहा होता है तो 2,000 बंदे तो खाली बाथरूम में बैठे होते हैं, 2,000 बंदे खाली बाथरूम में बैठे होते हैं, 1,32,000 लोग सामने बैठकर मैच देख रहे होते हैं, और 1 लाख को छोड़ो, 32 को भी छोड़ो, तुम 29,000 रुपए यार लानत भेजते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर, इतना घटिया प्रोजेक्ट, इतना थर्ड क्लास प्रोजेक्ट है। तुम लोग उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का वादा किया था, ये तुम लोग क्या भैंसों का तबेला बना रहे हो बे? हाउ इज इट पॉसिबल यार, आप इंटरनेशनल मैचेस, दो बंदे बैठे मैच देख रहे हैं भाई, डिफिकल्ट एंगल से देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ जिसने बोला ना एंगल खराब, दो बंदे मैच देख रहे हैं। अब सोचो दो बंदे मैच, एक कोई बात हो स्पेक्टेटर है, मैं प्लेयर की बात ही नहीं कर रहा, वो कोहली बुमराह उनको छोड़ो, दो बंदे हैं, दो पाकिस्तानी हैं मैच देख रहे हैं, वो कह रहा भाई मुझे बाथरूम बाकी कर रहे हैं, बाथरूम नहीं, रुक जा अभी चार ओवर बाकी हैं, कह रहा भाई मुझे बाथरूम जाना है अर्जेंट है, कह रहा नहीं रुक 3 ओवर बाकी हैं, वो कह रहा भाई बाथरूम जाना है मुझे, कह रहा रुक अभी 1 ओवर बाकी है रुक, कह रहा नहीं भाई मुझे अब तो बाथरूम जाना ही जाना है, इमरजेंसी है, कह रहे हैं 2 बॉले हैं रुक, और फिर वो कहता है सुन
अब चले जा, मैच हो गया। वो कहता भाई मेरा भी हो गया, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठे रहो। इन पाकिस्तानियों को बड़ा दुख है कि इंडिया मना कर रहा है। सिक्योरिटी वेक्योरिटी छोड़ दो यार, सिक्योरिटी कंसर्न्स को मारो गोली। आप ये देखो कि इंडिया की टीम वहां पे, मैं और किसी टीम की बात क्यों करूं यार, मेरा क्या लेना और किसी टीम, इंडिया की टीम जा रही है, इंडिया की टीम के लिए क्वालिटी नहीं वहां पे। मैं तो अपनी टीम की बात करूंगा। आप एक बार स्टेडियम के अंदर घुस गए, अब रोके रहो भाई, 6 घंटे मैच चलेगा, 6 घंटे रोके रहो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमें मार डालेंगे, जावेद मेहरात कहता है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, वो ऐसी ऐसी डोज दे देता है इनको। वो कहता है तुम अथरू नहीं कर सकते, वो कहता है तुम मर जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बम फूट जाएगा, ये तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। वो कहता है तुम रोक के रखो। अब आती है अगली बात, अगली बात ये कि हाँ जी इंडिया अब उसमें आएगा कि नहीं, तो ऐसा कोई सवाल एक बंदे ने पूछा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया का ये वो, तो इंडिया का नाम तो नहीं लिया मोहसिन नकवी साहब ने, तो उन्होंने कहा हाँ जी इंशाल्लाह सब कुछ मैचेस यहीं पे होंगे, हम सारे ग्राउंड बना रहे हैं, फाइनल वगैरह सब यहीं पे ही होगा। सो दीज वर हिज वर्ड्स। ये जो अच्छी बात मुझे लगी है कि वो बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं कर रहे और नाम लेके तो नहीं कर रहे बिल्कुल, जो कि अनलाइक पिछले वाले जो चेयरमैन थे जो खाली बड़के और सुल्तान राई वाली, नजम सेठी या जका अशरफ भी किसी हद तक, नजम सेठी और रमीज राजा तो सारी हद ही पार की हुई थी, नहीं जी देखेंगे कैसे नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, टीम ऐसा है तो वैसा है, वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हमारी टीम वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे और वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएंगे, और खुद पहुंचे हुए थे। तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा बड़के नहीं मार रहे और सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं कि चलो जो हमारे इख्तियार में है कि अपने स्टेडियम्स की हालत अच्छी करें। एक बात बताओ, मैं एक पाकिस्तानियों से बात पूछ, आप किस मुंह से कह रहे हो कि दुनिया आए और पाकिस्तान में क्रिकेट खेले, आप किस मुंह से कह रहे हो? अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ, पता लगा कि इन लोगों ने बोला है कि वहां पे कोई स्पेक्टेटर देखने वाले अलाउड नहीं है, वो खुद ही आपस में खेल रहे हैं, वो बल्ला घुमा रहा है, वो बॉलिंग कर रहा है, वो फील्डिंग कर रहा है, वो हांफ रहा है, उसके पसीने आ रहा है, अच्छा देखने वाला कोई भी नहीं है वहां पे। कह रहा भैया टीवी पे देखो, कैमरा लगा दिया, इनके शहरों में मैच हो रहा है, नोबडी इज गोइंग देयर टू वॉच बिकॉज दे हैव सेड यू कांट वॉच, आप नहीं देख सकते भाई, ठीक है। एक तो ये बात है, दूसरी चीज बांग्लादेश की टीम है वो कंप्लेन कर रही है कि साहब हमारे होटल में इंटरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि भाइयों ने इंटरनेट बंद कर रखा, क्योंकि इनको लग रहा है अगर पाकिस्तान में क्या हो जाएगा सबका इंटरनेट बंद कर दिया। बांग्लादेश की टीम बोल रही है, वो कह रहा है कि भाई अपने माँ बाप बीवी बच्चों से बात नहीं कर सकते, इंटरनेशनल कॉल वैसा तो नहीं करेगा, ही कॉल ऑन या व्हाट्सएप या किसी और सिस्टम से कॉल करेगा, जो भी उसका है, मना करता है भाई लोग, मना करता है, नहीं खोलेगा इंटरनेट, वो कह रहा धीरे धीरे 2G चल रहा है, बांग्लादेश में 4G की आदत है, ये कह रहा 2G चलेगा तुम्हारा, धीरे धीरे कॉल आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कॉल आ रहा है, दैट फेसिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी है मगर ग्राउंड्स की कैपेसिटी न होने के बराबर है। एक ग्राउंड में जहाँ 27,000 लोग समा सकते थे उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 29,000 कर दी गई है, मगर यानी 2,000 जो लोग हैं उसको ज़्यादा बैठने की जगह मिल गई है। ये था और रिनोवेशन वर्क जिसका जिक्र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा था। ग्राउंड्स के बाथरूम्स की बात की जाए या पाकिस्तान ग्राउंड्स की जो हालत है उसकी बात की जाए तो रोना आ जाता है पाकिस्तानी मीडिया को, क्योंकि पाकिस्तान ने तो एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करना है, जसप्रीत बुमराह ने खेलना है, किंग विराट कोहली ने खेलना है, मिचेल स्टार्क ने खेलना है, ग्लेन मैक्सवेल ने खेलना है, जोस बटलर ने खेलना है, मगर हमारे ग्राउंड्स की हालत देखिए, न बाथरूम है न बैठने के लिए जगह, बहुत दूर से मैच देखने को मिलता है। ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि खुद पाकिस्तान क्रिकेट कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हम तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हैं मगर हमारे स्टेडियम्स की हालत ऐसी है कि ये होस्ट करने के काबिल नहीं। दिलचस्प बात तो ये है कि जो तामीराती काम था उसके बाद जो स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी 27,000 से बढ़कर 29,000 हो गई है, जहां भारत 1,00,000 लोग समा सकते हैं। अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में 27 से बढ़ाकर 29,000 कर दिया गया है। ये फर्क है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI में कि BCCI किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, किस तरह क्रिकेट की फील्ड में जो BCCI है वो पैसा खर्च कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो चैंपियंस ट्रॉफी तो होस्ट करने जा रहा है मगर कोई 5-स्टार होटल नहीं, इस पर अब काम किया जाएगा और 4-5 महीने में भला कौन सा 5-स्टार होटल बन जाएगा। तो पहले क्या कहना था पाकिस्तानी मीडिया का और भारत की तरफ से इस हवाले से क्या रिएक्शन
सामने आया। कंप्लीट वीडियो आपने देखी, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने राय इस हवाले से जरूर शेयर कीजिएगा।